हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ नमकीन सेव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये स्नैक्स के रूप में बहुत ही पसंद की जाती है हर घर में। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ट्रिक्स को अपना करके आप बहुत ही अच्छे और खास्ता आप सेव बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक थाली में ऑयल ले लिया है। ये ऑयल मैंने 4 चम्मच के करीब लिया है, वेजिटेबल ऑयल है। आप यहाँ मस्टर्ड ऑयल की यूज ना करें। और मैं इसमें आधे कप पानी डालूंगी, तो 1 कप पानी डालने हैं तो आधे आधे कप करके मैं डालूंगी पानी को। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके इसे हमें एक गाढ़ी पेस्ट जैसी बना देनी है, क्रीम जैसी हो जाएगी ये। तो पहले हमें इसे कर लेना है, तो मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद इन्हें एक मतलब ऐसी पेस्ट जैसी रेडी करनी है, लगे जैसे वो क्रीम की तरह वो फूल जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे कैसे फूल रही है। तो ये अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे क्रीम जैसा टेक्सचर देने में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्रीम जैसी हो गई है। इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। इसे अगर फॉलो करेंगे तो आपकी जो सेव है बहुत ही खास्ता बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और 1 महीने भी अगर आप इसे स्टोर करते हैं तो ख़राब नहीं होगी और थोड़ी भी वो नरम नहीं पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे अजवाइन के पाउडर डाले हैं 1 चम्मच, और यहाँ हमें और भी बाकी मसाले डालने हैं। जैसे मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/2 चम्मच करके, मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है, 2 बार डाली है थोड़ी थोड़ी। और 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाली है, चूँकि हमें मसाले वाली बनानी है। तो अगर आप शादी खाते हो तो शादी डाले। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गोल मिर्च भी डाली है और ये थोड़ी तीखी बनेगी तो तीखी वाली से बनाएंगे हम। और यहाँ इसके साथ मैं थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं पसंद करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट भी डाले हैं इसमें। और अब मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी। तो हमने जितनी मिक्सचर तैयार की है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ सॉल्ट डाल रही हूँ। तो मैंने 1.5 स्पून 1.5 स्पून मैंने यहाँ पे डाला है नमक को। और फिर हमें इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हमें इन्हें एक पेस्ट की जैसे बना देना है। अब इसके बाद हमें इसमें बेसन ऐड करने हैं, चने के बेसन। तो अब जितनी ये मिक्सचर है उसके अकॉर्डिंग हमें डालते जाना है बेसन को। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 बाउल डाला है बेसन, तो आप भी वैसे ही डालना है। हमें सिर्फ जो आटे तैयार करने हैं उस आटे पे हमें ध्यान रखना है। अगर बेसन का एकदम जो फिक्स मेजरमेंट है वो इसमें नहीं है यहाँ पे, यहाँ आप डालिए। जैसे मैंने दो बाउल डाला है, तो आपके जितने में ये रेडी हो जाते हैं, मतलब आपके आटे रेडी हो जाते हैं, तब तक आप थोड़े थोड़े करके बेसन डालें। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 चम्मच करीब चावल का आटा डाला है जिससे खूब अच्छी कुरकुरी बनेगी। तो आप इस टिप्स को भी फॉलो कीजिएगा, ये दूसरी टिप्स है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चावल के आटे ऐड किए हैं इसमें। अब मैं बेसन और डालूँगी इसमें, मैं 1 बाउल और डाल रही हूँ। और जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी लगे आप डालते जाए, जिससे मुझे और लगेगी तो मैं थोड़ी और लूँगी इसमें। अब मैं इसमें नीचे निकाल लेती हूँ, इसे मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो अब हमें अपने हाथों की हेल्प से ही इसे आटे इसके तैयार करने होंगे। तो इसे मैं हटा देती हूँ। और आप और हमें यहाँ पे थोड़े से और बेसन चाहिए, तो मैं थोड़े और बेसन ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 फुल बाउल मैंने डाला है। 1 बाउल मैंने पहले डाला था और 1/2 बाउल एक बार और डाला है, अभी 1/2 बाउल और डाल दिया। अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ी और पड़ी तो मैं थोड़ी सी और ले लूँगी। तो हमें एक अच्छी डो तैयार करनी है, इसे न ज़्यादा गीली रखनी है न ज़्यादा सूखी रखनी है।
तो हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है, और अब हमें इन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो आप भी जब आटे को तैयार कर लें तो उसे 15 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। तो मैंने ढक के छोड़ दिया है, और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे नमकीन सेब बनाएंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे आटे रेडी हो गए हैं अब सेब बनाने के लिए। तो अब मैं इस आटे से अब मैं सेब बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सांचे का यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक सांचा ले लिया है, और इस सांचे को हमें अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है, ग्रीसिंग कर देनी है ऑयल से। और अब हमें इसमें आटे भर देने हैं। आटे हमें इतने डाल देने हैं इसमें जिससे कि ये पूरी पैक हो जाए, और इसे हमें दबाते हुए डालना है। तो यहाँ मेरे पूरे आटे इसमें चले गए, तो मैंने पूरे को डाल दिया है, और अब हमें इसे बंद कर देना है अच्छे से दबाते हुए। तो यहाँ मैं इसे बंद कर देती हूँ, और ये रेडी हो चुकी है। अब मैं ऑयल गरम कर लेती हूँ। तो मैंने ऑयल डाल दिया था गैस पे गरम होने के लिए। तो यहाँ हमारे ऑयल रेडी हो चुके हैं, गरम हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे इन्हें डायरेक्टली इसी ऑयल में हमें इसे छानना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पे इसे अब फैलाती जाऊँगी इसमें। और यहाँ पे आप गैस की जो फ्लेम है उसे आप लो मीडियम पे रखें, हाई पे ना रखें। पहले आप अच्छे से ऑयल को गर्म कर लें, उसके बाद आप उसे लो मीडियम के बीच में रखें, और उसके बाद हमें इसे बनाते जाना है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे मैंने तोड़ दिया है इसे। अब हमें इसे फ्राई करना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आप रखें, और इसी तरह से मैं अब सारे सेब को फ्राई कर लेती हूँ इस तरह से। और सेब जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो इस तरह से हमारी शारी सेव बन करके रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है, और जितनी अच्छी दिख रही है उतनी ही अच्छी है और उतनी कुरकुरी ये बनी भी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ तोड़ करके, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। सो फ्रेंड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैंने जो ट्रिक्स बताया है आप उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इस सेब को 1 महीने तक आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, ये स्नैक्स के रूप में, या कोई गेस्ट आए तो आप इसे नाश्ते में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अच्छी है, और मसाले वाली भी है। आप मसाले के जगह बिना मसाले की भी बना सकते हैं।